आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज वो दिन आ गया है कि आप सभी लोगों ने अपना प्यार जो दिया है उस कारण से हमारा गूगल एडसेंस पिन है वो आ गया है। तो ये सब आपके वजह से हुआ है और आज मैं इसी के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। आज की सबसे पहले तो उन लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके वजह से आज ये लेटर मेरे पे आया है और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया इतना ताकि ये आज मेरे तक आया है। पर इसको आने में कुछ कठिनाई मुझे आई है, वो नए यूट्यूबर के साथ ना आए, ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि ये पिन जब आप मंगवाते हैं तो आपको ये दिक्कतें ना आए जो मुझे आई है दिक्कतें। तो जिन लोगों ने अभी नया यूट्यूब स्टार्ट किया है, नए क्रिएटर है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। और जिन लोगों ने अभी इसको अप्लाई किया है या फिर जिन लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया है और एक महीना हो गया है, दो महीना हो गया, उनका ये लेटर नहीं आया, वो वीडियो भी इसको जरा सी स्किप ना करें, पूरी लास्ट तक वीडियो देखें तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको ये लेटर जब भी आप इसको मंगवाएंगे तो आपके घर तक ये लेटर बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो मैंने जब इस लेटर को अप्लाई किया था तो जिस तारीख को मैंने इसको अप्लाई किया था तो इसमें मैसेज आ जाता है, उस समय वहां दिखता है कि आपको ये लेटर 2 से 4 वीक में मिल जाएगा, लगभग 1 महीने में आप तक ये लेटर आ जाता है जब भी आप इसको अप्लाई करते हैं गूगल एडसेंस में। और मैंने भी वही किया, मैं अपने 2 वीक तक इंतजार किया कि मेरा लेटर जो मेरे घर तक आ जाएगा, पर मेरा लेटर मेरे घर तक नहीं आ पाया और मैं परेशान होने लगा। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखी जिसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो कह रहे थे कि किसी का 1 वीक में आया और किसी का 2 वीक में और किसी का 3 वीक में आ गया। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरा लेटर रह कहाँ गया है। उसके बाद फिर मैं उस एरिया के मैं गया जहाँ का मैंने पिन कोड दिया था। तो आप भी जब भी अपना कभी ये गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पिन कोड बिल्कुल सही डालें, आप वहाँ आसपास पता कर लें कि हमारे एरिया का पिन कोड क्या है। अगर पिन कोड गलत होता है तो ये लेटर आपके तक नहीं आ पाएगा। तो फिर जब मैं वहाँ गया अपने एरिया के जो डाकघर है तो वहां मैंने जाके पता किया कि मेरा कोई लेटर आया है गूगल एडसेंस के नाम से, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें एक लेटर का फोटो दिखाया, आप गूगल पर से कहीं से भी इसका फोटो ले सकते हैं और उन लोगों को दिखाइए कि इस टाइप का लेटर। जब मैंने उनको फोन में वो लेटर दिखाया तो वो कहे हाँ कुछ लेटर आए हैं, तो उन्होंने वो लेटर मुझे दिखाए। तो काफी लेटर उनके पास थे गूगल के, जो कि कई यूट्यूबर ने उनको अप्लाई किया होगा और उनके तक वो नहीं पहुंचे। तो मैंने उनसे पूछा क्या इसमें मेरे नाम का भी कोई लेटर है, तो उन्होंने चेक किया, बोला नहीं, और कहा ये सब लेटर हम वापस मतलब भेज रहे हैं, इनके एड्रेस हमें नहीं मिले। उन लेटरों में एक गलती बहुत कॉमन थी कि किसी ने भी पूरा एड्रेस नहीं डाल रखा था, सबने अपना एड्रेस जो था अधूरा डाल रखा था। और जो डाकघर के जो कर्मचारी होते हैं उनको उनके घर ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, एक तो किसी ने भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाला था। तो आप जब भी कभी अप्लाई करते तो अपना एड्रेस पूरा डालें और साथ में अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालें, तभी आपका लेटर आपके घर तक आएगा। उसके बाद फिर जब मैंने अपना लेटर के पूछा तो मेरा लेटर वहाँ नहीं आया था, तो मेरे को काफ़ी निराश हुआ कि मेरा लेटर अभी तक क्यों नहीं आया। फिर मैंने इंतजार किया कि क्यों ना हम पूरे 1 मंथ का इंतजार किया जाए। 1 मंथ के बाद फिर मैं जब वहां पे गया जिस तारीख को मैंने अप्लाई किया था, उस 1 मंथ हो गया था उसी दिन मैं फिर गया उसी तारीख को, तो मैंने फिर वहां जाके पूछा पर मेरा कोई लेटर नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने वहां के कर्मचारी जो अधिकारी लोग थे उनसे मैंने पूछा कि मेरे एरिए में कौन ये लेटर वगैरह ले जाता है, कोई भी सरकारी लेटर आता है तो कौन पहुंचाता है। तो उन्होंने मुझे एक जो मेरे एरिए में जो लेटर पहुंचाता है उसका मुझे नंबर दिया और मैंने फिर उनसे बात की कि मेरा कोई गूगल एडसेंस पिन आया है। मैंने उनके व्हाट्सएप पे ऐसा मतलब फोटो भी भेज दिया था कि ताकि वो इसको देख के पहचाने, मैंने अपना नाम बताया कि इस नाम से है, तो उन्होंने चेक किया, बोला नहीं आया है। अब मेरे कम से कम मेरे को 1 महीना और 2 दिन हो गए थे, अब मैं लेटर के लिए बहुत परेशान था। मैंने दूसरे पिन के लिए भी अप्लाई कर दिया था, जब 3 वीक तक आपका लेटर आपके पास नहीं आता तो गूगल एडसेंस में वहां पे एक ऑप्शन दे देता है कि आप दूसरा जो है पिन मंगवा सकते हैं, मतलब पिन तो आपका सेम ही रहता है, अगर आप कभी अप्लाई करते हैं तो पिन आपका सेम रहेगा, बस ओरिजिनल की जगह वो डुप्लीकेट दे देते हैं, उसकी कॉपी दे देते हैं।
तो फिलहाल तो मैंने अप्लाई कर दिया, फिर भी मैं परेशान था। जब मेरा पहला नहीं आया तो क्या गारंटी है कि मेरा दूसरा पिन भी आ जाएगा। अब मैं बहुत परेशान रहा 2-3 दिन, काफी यूट्यूब पे वीडियो देखी, पर मुझे कुछ भी मतलब के वो चीज नहीं मुझे मिल पाई ताकि मेरा लेटर मेरे तक पहुंचे। उसके बाद फिर मैंने जब 5वें दिन, यानी 1 महीना और 5 दिन हो गए थे, यानी 35 दिन हो गए थे, तो मैंने फिर से उसे कांटेक्ट किया और मैंने उसे अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई और मैंने बताया मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आज अपने ऑफिस में मतलब चेक करूंगा कि पुराने जो लेटर पड़े हैं क्या उनमें मेरा लेटर है। तो फिर उसने जब चेक किया तो मेरा लेटर मिल गया जो सचिन के नाम से था। मैंने उसे अपनी सारी डिटेल दे दी थी कि मेरा नाम सचिन है और ऐसा ऐसा मतलब मेरा लेटर है। तो उन्होंने मेरे पे फोन किया कि तुम्हारा इस नाम से एक लेटर मिला है मुझे। तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे उसकी फोटो भी भेजी, तो मैंने कहा हाँ ये मेरा लेटर है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। उसके बाद अगले दिन आके उन्होंने मुझे लेटर मेरा दे दिया। और लेटर आपके घर तक जब आता है तो इसका कोई पैसा नहीं लगता है, आप पैसे किसी को ना दे। तो लेटर मेरे तक आ गया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ये उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए जो अभी नए YouTube पे आए हैं या फिर जिन्होंने Google AdSense पिन के लिए अप्लाई किया है और उनके तक ये पिन नहीं पहुंचा है, उन लोगों तक मैं क्यों ना ये जानकारी पहुंचाऊं। तो अगर आपने Google AdSense पिन के लिए अप्लाई किया तो जरूरी नहीं आपका 1 या 2 वीक में आ जाए, हो सकता है 1 मंथ भी लग जाए, पर आपको इस बात का ख्याल रखना है जब भी आप अपना गूगल एडसेंस पिन वहां पे एड्रेस वेरीफाई करते हैं तो अपना पूरा एड्रेस दीजिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए और अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आप ध्यान से मतलब अगर आपको नहीं पता तो आपने आस पड़ोस में पूछ लीजिए, किसी बड़े व्यक्ति से पूछ लिए कि हमारे एरिया का पिन कोड क्या। अगर आप पिन कोड सही डालते हैं तो आपके डाक घर तक ये लेटर जरूर आएगा, 100% आएगा। आप तक ना पहुंचे पर आपके डाक घर तक ये आएगा। और आप जब अप्लाई कर देते हैं तो वहां से 2 वीक, यानी अगर 3, 4, 5, 15 किसी भी तारीख को अप्लाई करते हैं, वहां से आपको 2 वीक के बाद अपने डाकघर जाना शुरू कर देना है। वहां पे आपको पता करना है कि क्या मेरा इस तरह का लेटर आया है। आप उन्हें कोई फोटो दिखा सकते, गूगल पे आपको बहुत फोटो मिल जाएंगी इसकी, तो आप उनको कहिए कि मेरा कुछ इस तरह का लेटर आया, अपना नाम बताएंगे तो अगर वहां कोई लेटर आया होगा तो आपको मिल जाएगा। और साथ में आप अपने एरिया का जो आपके एरिया में जो पोस्टमैन जो आपको कोरियर मतलब जो पहुंचाता है लेटर वगैरह, आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए और उससे आप कॉन्टेक्ट में रहिए, उसे आप बताते रहिए, तो आपका ये लेटर 101% आपके तक ये लेटर आएगा। और अगर आपका पहले पिन नहीं आता है तो आप दूसरे पिन के लिए अप्लाई कर दीजिए। फिलहाल तो आपका पहला पिन आ जाएगा, पर आपको ये है कि अप्लाई करने के बाद अपने घर में नहीं बैठ जाना है, नहीं तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब पिन वहां पे आते हैं जो लेटर वो लोग नहीं पहुंचा पाते हैं तो फिर वो पुराने लेटरों के साथ फिर वापस चले जाते हैं, उससे क्या आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप फिर यही आपके लिए रास्ता है कि आप अपने डाकघर जाएं और 2 वीक के बाद अपना पता करें कि आपका गूगल एडसेंस पिन आया है। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी, आप यूट्यूब पे इसी तरह की जानकारी ढूंढ रहे थे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। और अगर आप यूट्यूब की और भी जानकारी मुझसे चाहते हैं कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ी है यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत और जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में बताइए क्या आपको और कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।